अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आज मैं आप लोगों को ऐसा फेस पैक बनाना सिखाऊंगी जो आपकी पिगमेंटेशन को भी कम करेगा, आपकी स्किन टोन को भी लाइटन अप करेगा, आपके एक्ने स्पॉट्स भी ख़त्म करेगा और साथ साथ आपकी एंटी एजिंग में भी काम करेगा, यानी आपके फाइन लाइन्स और रिंकल्स को भी ख़त्म करेगा, तो आपका रिएक्शन क्या होगा जी। तो इसी रिएक्शन के लिए मैं आपके साथ ये फेस पैक शेयर करने लगी हूँ जी। तो इस फेस पैक का हमारा की इंग्रेडिएंट है ग्रीन टी, जैसा कि आपको टाइटल से भी पता चल गया होगा। हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है बेसन। बेसन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून, ये मैंने बोल में शिफ्ट कर लिया है। फिर जो हमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है वो है हल्दी। यहाँ पे मैं हल्दी ले रही हूँ सिर्फ 2 पिंचेस, 2 पिंचेस से ज़्यादा नहीं लिएगा, इतनी ही बहुत हो जाती है। हल्दी डालने के बाद पहले आप इन दोनों ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें। नेक्स्ट स्टेप में हमने ग्रीन टी रेडी करनी है। मैं यहाँ पे टपाल की ग्रीन टी यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। टपाल में भी काफ़ी सारे फ्लेवर्स होते हैं, लाइक एस मिंट, जैस्मीन, पीच, लेमन। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हम कौन सा फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं, आप कोई सा भी ले सकते हैं। इनमें जस्ट टेस्ट डिफरेंस होता है, वर्किंग इन सब की सेम है। मैंने जो यूज़ करी है वो मैंने यहाँ पर मिंट में यूज़ करी है। इस मास्क के लिए जो हमें ग्रीन टी रिक्वायर्ड है वो एटलीस्ट 2 ग्रीन टी बैग्स से बनेगी। अगर आप ग्रीन टी बैग्स नहीं यूज़ कर रहे, आप पैकेट वाली यूज़ कर रहे हैं, तो आपने 1 टेबल स्पून भर के लेनी है। ये मैं वीडियो को आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने यहाँ पर 2 ग्रीन टी बैग्स निकाल लिए हैं। ये हमारे मास्क के लिए इनफ हैं। अब बाकी सारे बैग्स को हम साइड में रख देते हैं। आपने इन 2 ग्रीन टी बैग्स को 1/4 कप गर्म पानी के अंदर डाल के रख देना है इतनी देर के लिए कि आपकी ग्रीन टी रेडी भी हो जाए और आपकी ग्रीन टी ठंडी भी हो जाए। अब बात कर लेते हैं कि बेसन इस फेस पैक के अंदर आपकी स्किन को क्या क्या फ़ायदे देगा। सबसे पहले तो आपकी स्किन पे से सन टैन को दूर करेगा और ये पिंपल्स के लिए भी बहुत इफेक्टफुल होता है। तीसरा ये कि आपकी स्किन टोन को लाइटन अप भी करेगा। फिर बात करते हैं हल्दी पाउडर के बेनिफिट्स की। हल्दी को तो आप एंटी एवरीथिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि हल्दी आपकी जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं उन सबको दूर करने में वाइटल रोल प्ले करती है। साथ साथ स्किन को ब्राइट भी करेगी, पिगमेंटेशन और बाकी दाग धब्बे को भी दूर करेगी। ग्रीन टी रेडी होती है, मैंने इस जग में शिफ्ट कर ली थी। अब इस ग्रीन टी को आपने ग्रेजुअली उन ड्राई इंग्रीडियंट्स के साथ साथ मिक्स करते जाना है और एक फाइन सा पेस्ट रेडी कर लेना है। मैं वीडियो को आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाती हूँ कि आपने कितना थिक सी पेस्ट रेडी करनी है। फिर आपने इस मास्क को अपने फेस के ऊपर, जैसे मैंने आपको हाथ पे शो किया, अच्छे से अप्लाई कर लेना है। साथ ही इस मास्क के अंदर मैं आपको ग्रीन टी के बेनिफिट्स भी बताती चलूँ। ग्रीन टी के अंदर विटामिन ई और विटामिन B2 होता है, जिस वजह से ये आपकी स्किन को यूथफुल ग्लो देती है। साथ साथ आपके एंटी एजिंग पे भी काम करती है, यानी फाइन लाइन्स और रिंकल्स को भी ख़त्म करती है। ग्रीन टी के अंदर इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जिस वजह से अगर आपकी स्किन पर इरीटेशन, रेडनेस या स्वेलिंग टाइप हो रही है तो ये उसे भी ख़त्म करने में हेल्प करेगी। अब बारी आती है इस मास्क को वॉश करने की। आपने इसको इस तरीके से उतारना है कि स्क्रीन पर बताए हुए तरीके के मुताबिक, यानी पानी का हाथ लगा के रब करना है, देन इसे ठंडे पानी से धो लेना है। रिजल्ट्स स्क्रीन पर आपके सामने हैं। एक ही वॉश के साथ ये आपको विजिबल रिजल्ट्स दिखाएगी। फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।